हेलो दोस्तों, रोहाना जोड़ी में आपका स्वागत है। डोरमेट का एक और वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, स्टार टाइप का डोरमेट है, बनाने में बहुत ही आसान है। और देखिए कितना प्यारा ये मल्टी कलर का ये डोरमेट लग रहा है। तो बहुत ही आसान स्टेप से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरह से ये बनाया जाएगा। तो देखिये, यहाँ पे हमने ये फंदे लिए हैं स्टार्टिंग में। तो ये 50 फंदों का ये मैंने यहाँ पे तैयार किया है। नीचे की तरफ जो बुनाई करते हुए जाएंगे तो दो दो फंदे मैं यहाँ छोड़ती हूँ और बाहर की तरफ हमें 2 फंदों का एक फंदा करते हुए बनाना है। इसीलिए ये नोक जैसी डिजाइन जो दिख रही है आपको ये आती है। तो इसी तरह से हमें तैयार करना है। आगे की वीडियो में आपको पूरी डिजाइन अच्छे से समझ में आएगी। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने 30 फंदे ये सिलाई में लिए है। तो पहली सिलाई से ये हमारी डिजाइन शुरू हो जाती है। ये देखिये, मैंने यहाँ पे साड़ी से ये मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो ऊन से ही बना सकते हैं। तो देखिये, स्टार्टिंग में हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो बाहर जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि नोक जैसी जो डिजाइन आएगी वो इसी तरह से आती है। हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है, यानी कि फंदे घटाने हैं। सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाएंगे, दूसरी सिलाई में करेंगे आखिरी के 2 फंदे भी नमूने छोड़ते हुए। ये देखिए, 2 फंदे आप बिना बिना छोड़ेंगे, धागे को यहीं से पलट लेंगे और सामने की तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए दूसरी सिलाई में बुन लेंगे। एक और बार मैं आपको यहाँ पे बुन के बता रही हूँ। देखिए, 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करना है। यहाँ देखिए, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। और इस बार 2 और फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे, यानी कि 4 फंदे हमारे यहाँ बिना बुने रह जाएंगे। ये देखिए, ये 2 और फंदे हमें बिना बुने छोड़ देंगे और धागे को यहीं से पलट लेते हैं। तो ऊपर की तरफ 2 फंदों का एक फंदा करना है और नीचे की तरफ बुनते हुए जाएंगे तो 2 2 फंदे हमें बिना बुने छोड़ने हैं। तो इस तरह से हमारी कली भी जल्दी बनके तैयार होती है और बहुत ही प्यारी डिजाइन हमारी बुनती है। तो ये देखिए, ये जो नोक जैसी डिजाइन आप देख रहे हैं, ये 2 फंदों का एक फंदा करते हुए जो हम बुनते हुए जाएंगे और 2 2 फंदे अंदर की तरफ छोड़ते हुए जाएंगे तो ये हमारी कली इस तरह की बुन जाएगी। तो मैं ये देखिए, यहाँ पे ये कली कंप्लीट कर लेती हूँ। ये आखिरी के 3 फंदे मेरे बचते हैं जिनमें 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे और इस तरह से ये एक कली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यहीं से धागे को पलट लेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। तो शुरुआत में मैंने 30 फंदे यहाँ लिए थे, अभी 2 का 1 करते हुए 2 2 फंदे छोड़ते हुए 20 फंदे मेरे पास यहाँ रह जाते हैं सिलाई में। देखिए, 10 जोड़ी ये फंदे मेरे रह जाते हैं, यानी कि 20 फंदे हमारे यहाँ बचते हैं। अभी फिर से वही 30 फंदे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दूसरा कलर ये जोड़ूंगी। देखना, तो जो नोकते से जो डिजाइन देख रहे हैं आप, ये हमारे फंदे घटाने से ही बुनती हुई जाएगी। अभी यहाँ पे मैं दूसरा कलर जोड़ूंगी। तो देखिए, दूसरा कलर हम किस तरह से जोड़ेंगे यहाँ पे। तो पहले फंदे में से ही हम देखिए धागा इस तरह से निकाल लेते हैं, तो इसे गांठ लगा के जोड़ दीजिए। ये पहले वे धागे के साथ लपेटते हुए भी आप इसे बुनाई में ले लीजिए। इस
फंदे ही हमारे सिलाई में है और 10 फंदे और हमें यहाँ पे डालने हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ बता रही हूँ आपको फंदे कैसे डालने हैं। तो जो 10 फंदे हमने घटाए हैं वो इस तरह से हमें फिर से 10 फंदे डाल लेने हैं और 20 फंदे हमारे पास है, यानी कि फिर से वही 30 फंदे हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए 20 फंदे ये हुए और 10 फंदे जो हमने आगे डाले हैं ये, तो इस तरह से वही टोटल फंदे हमारे 30 यहाँ हो जाते हैं। एक उल्टी सीधी सिलाई हमें यहाँ निकाल लेनी है। तो इस वाले सिलाई में हमें ना ही कोई फंदे घटाने हैं ना ही फंदे बिना उन्हें छोड़ने हैं, हमें सारे फंदे एक बार एक उल्टी सीधी सिलाई ही बुन लेनी है। तो देखिए सारे 30 फंदे हमने एक बार ये बुन लिए हैं यहाँ पे और वही स्टार्टिंग वाले 30 फंदे ये हमारे आ जाते हैं। एक और सिलाई में यहाँ पे निकाल लेती हूँ, उसके बाद हमारी दूसरी कली की डिजाइन शुरू होगी। ये देखिए यहाँ पे एक उल्टी सीधे सिलाई हमारी हो गई है, अभी हमें दूसरी गली के लिए शुरुआत करनी है। देखिए वही 2 फंदों का एक फंदा हमने करना है और आखिरी तक जब बुनाई करते हुए जाएंगे तो आखिरी के 2 फंदे हमें यहाँ पे बिना बुने छोड़ने हैं। तो देखिए 2 फंदे आप बिना बुने यहाँ छोड़ देंगे ताकि यहीं से पलट लेंगे और आप सामने की तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए दूसरी सिलाई में कर लीजिएगा। तो देखिए शुरुआत में जो 30 फंदे थे और जैसे हमने यहाँ पे बुनाई करी है वैसे ही नीचे की तरफ बुनते हुए जाएंगे तो 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे और ऊपर की तरफ बुनाई करते हुए जाएंगे 2 फंदों का एक फंदा करते हुए जाना हमें, और सेम इसी तरह की कली हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट से जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।